जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहा है। आज विधानसभा ज्वाली की हरनोटा पंचायत में राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी संजय गुलेरिया ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपना समर्थन दिया। भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताया और अपने जीवन के बारे में भी लोगों को बताया। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे कैसे की, उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम किया है और आज वक्त आ गया है कि लोगों की हल्लाशेरी और उनके प्यार ने चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो जिस तरह जनता का प्यार एवं समर्थन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर ज्वाली विधानसभा की सीट भाजपा की झोली में पूरे बहुमत से डालेंगे। संजय गुलेरिया ने कहा कि उनकी चुनाव लड़ने की मंशा सिर्फ समाज सेवा करना है, जो कि वह शुरू से करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनकर आते हैं तो उनकी प्राथमिकता गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएँ हैं वे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल और अस्पताल की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको हल करवाना ही सबसे अहम होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि लोगों में भारी उत्साह देखा गया और भाजपा सरकार रिपीट होगी, इसी मिशन के साथ वे कार्य कर रहे हैं। संजय गुलेरिया ने पोस्टर फाड़ने वाले विवाद पर कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा आवेश में आकर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जो कि गलत है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को रंगे हाथ भी पकड़ा, लेकिन राजनीति में कई बार बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वह एक सही प्रतिनिधि को चुने जो जनता की समस्याओं को, उनके दर्द को समझता हो, महसूस करता हो। संजय गुलेरिया ने कहा कि मैं शुरू से समाज सेवा करता आया हूँ और हमेशा करता ही रहूँगा। इस मौके पर उनके साथ सुखदेव शास्त्री, मास्टर रमेश पठानिया, डॉक्टर कुलतार रवि कुमार, पंकज गुलेरिया, सहदेव सिंह पुजारी, बलवंत सिंह, चमन मनहास, जर्म सिंह, सुरेश कुमार, राकेश कुमार व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज पंचायत हरनोटा में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ एक नुक्कड़ सभा थी, जिसमें सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में चर्चा हुई। मैंने अपने बारे में भी इनको बताया कि मैं किस पृष्ठभूमि से आता हूँ, क्या करता हूँ, किस तरह के सामाजिक कार्य करता हूँ, और मैंने इनको ये भी बताया कि कल को भविष्य में अगर आप लोगों के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से मुझे अगर बड़े स्तर पे काम करने का मौका मिलता है तो मेरे दिमाग में किस तरह की योजना है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने गुणवत्ता वाली शिक्षा का जिक्र किया, उसी तरह मैंने बच्चों की नौकरियों के बारे में चिंता की, और उसी तरह से एक बेहतरी चिकित्सा की सुविधा हमारे क्षेत्र में हो, विशेषकर ज्वाली में, इस तरह के मैंने विचार उन लोगों से साझा किए। मुझे लगता है कई बार आवेश में आकर कार्यकर्ता ऐसी बात कर देते हैं। हमें भी इस बात का दुख हुआ क्योंकि तो पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व के फोटो थे, इस तरह की घिनौनी हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी, पर तो मुझे लगता है किसी ने उनको उकसाया बहलाया होगा और आवेश में आके वो ऐसा कर गए। ये सारी बातें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में है, इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। चुनावों में मुझे लगता है कि अगले 20 या 25 दिन में टिकट का भी निर्णय हो जाएगा, और जिस तरह का विशेषकर गरीब जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, रुझान है उन लोगों का, मुझे लगता है कि इस बार मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पार्टी का निर्णय इस बार हमारे पक्ष में जाएगा, और पक्ष में जाता है तो हम सीट जीत कर जनता के आशीर्वाद से सरकार की झोली में डालेंगे। सर, क्या जैसा इस नुक्कड़ सभा में भी कहा कि मैं गुणवत्ता भरी खास करके जो प्राइमरी शिक्षा का ढांचा है, क्योंकि वहीं से ही शुरुआत है। मैं मानता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, गरीब के अमीर के दिमाग में कोई फर्क नहीं है, कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, अगर उनको बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिले, वही गरीब का बच्चा अगर किसी कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ रहा है तो वो लाइक हो जाता है, लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज तरीके से किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है तो वो बच्चा बेचारा पिछड़ जाता है। एक बढ़िया चिकित्सा की जैसे धन्यवाद करता हूँ प्रधान अपना मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ज्वाली के हॉस्पिटल को 100 बेडेड कर दिया, लेकिन विषय ये है कि 100 बेडेड के साथ वहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी हों, एमरजेंसी की सुविधा हो, इस बात की मैं चिंता करूँगा। जैसे औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में डेवलप हुआ, लोधवा, कंद्रोड़ी,
और डमटाल के एरिए में, क्योंकि जिसके पास एयरपोर्ट भी है, रेलवे लिंक है, अच्छा पठानकोट का शहर है, यहाँ पर 40-50 बड़े बड़े औद्योगिक घराने अपना उद्योग स्थापित करें, और 30-35 हज़ार हमारे जो नूरपुर सब डिवीज़न है, फतेहपुर, इंदौर, ज्वार।